दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि घर घर से कूड़ा उठाने की योजना फेल हो गई है। बुधवार को हुई स्थायी समिति की बैठक के दौरान भाजपा के पार्षद ने माना कि यह योजना सही काम नहीं कर रही है। योजना के कर्मचारियों द्वारा किए गए हड़ताल से पूर्वी दिल्ली के कई वार्ड में कूड़ा का अंबार लग गया है। नेता विपक्ष ने भाजपा शासित निगम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि घर से कूड़ा उठाने की योजना फेल हो गई है और इस मेट्रो बेस्ट योजना से निगम को कहीं न कहीं चूना लगाने की कोशिश हो रही है। नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा यह बात निगम के अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन वह नेताओं के दबाव में चुप्पी साधे हुए हैं। आइए सुनते हैं कि इस मामले में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने और क्या कहा। कूड़ा घर घर से कूड़ा उठाने वाली जो योजना है उसका पर्दाफाश करने के लिए जिस तरीके से कल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर नेता सदन श्री प्रवेश शर्मा जी और स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन दीपक मल्होत्रा जी ने खुद से ये माना है कि ये कंपनी घर घर से कूड़ा उठाने में पूरी तरीके से विफल है। जो मानक तय किए गए थे उस आधार पर ना तो ये कूड़ा उठा पा रहे हैं, ना गलियों को साफ कर पा रहे हैं, ना ढलावों को साफ कर पा रहे हैं। सिर्फ ये आई वॉश करने का काम कर रहे हैं। ढला खाली ढलाव को जब कूड़ा उठ जाता है तो उनकी फ़ोटो खींच करके डाल देते हैं। उसके अलावा ना घर घर की घंटी बजाई जा रही, ना गीला और सूखा कूड़ा अलग किया जा रहा। और कल जिस तरीके से इस मेट्रो कंपनी के कर्मचारियों ने हड़ताल करी है उससे ये भी साफ हो गया है कि ये मेट्रो कंपनी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, झूठ बोलने में नंबर वन है, उसी तरीके से मेट्रो कंपनी भी अपने कर्मचारियों को ठगने से बाज नहीं आई। 17,800 रुपये के एग्रीमेंट पे साइन करा करके और मात्र उनको 14,500 रुपये मानदेय देने की जो बात तय की गई वो बिल्कुल गलत नीति है, बिल्कुल उनके साथ धोखा है, कर्मचारियों के साथ धोखा है। और 14,500 में से भी 30 दिन का काम करा करके मात्र उनको 20 दिन की तनख्वाह दी जाती है जो पिछले 2 महीने से वो भी पेंडिंग चल रही है। तो इससे ये पता चलता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर बैठ करके पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता को ठगने का काम कर रही है उसी तरीके से मेट्रो कंपनी भी अपने कर्मचारियों को ठगने का काम कर रही है। और जो मैं कहता था, जो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, पहले दिन से बोल रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपने कर्मचारियों पर विश्वास नहीं कर रहे ये बहुत गलत है, अपने संसाधनों पर आप काम नहीं ले पा रहे ये बिल्कुल गलत है। और उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने माना है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पूरा कूड़ा उठाने में विफल है, अपने काम में विफल है, क्योंकि इन लोगों को जो इनके भ्रष्टाचार की जो तय हुई थी, जो इनकी सेटिंग हुई थी, मुझे लगता है कि उसकी मलाई नहीं पहुंची, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सच बोलने पर विवश होना पड़ा। मनोज जी, अभी जैसे देखा जा रहा है, अभी जैसे कि टोटल 64 वार्ड हैं इस दिल्ली में, अभी 30 ही वार्ड दिए गए हैं, तब इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर टोटल ही वार्ड दे दिए जाएंगे तब तो ऐसा लगता है कि सफाई होएगी ही नहीं। 24 वार्डों के ट्रायल पे जो कंपनी फेल हो गई हो, कूड़ा उठाने में फेल हो गई हो, सूखा गीला कूड़ा अलग करने में फेल हो गई हो, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में फेल हो गई हो, पूरे संसाधनों को जुटाने में फेल हो गई हो, वो 64 वार्डों का कूड़ा कहाँ से उठा पाएगी? वो खाली प्लॉटों को साफ कैसे कर पाएगी? वो ढलाव घर, भरे हुए ढलाव घरों को कहाँ से साफ कर पाएगी? वो जगह जगह सड़कों के किनारे जो कूड़े के ढेर लगे हैं उनको कहाँ से उठा पाएगी? आज ही कई जगह से कंप्लेंट आई, मुस्तफाबाद से कंप्लेंट आई, हमारी जो नेता चेयरमैन हैं इधर की साउथ जोन की, उनके यहाँ से भावना मलिक जी, उनके वार्ड से कंप्लेंट आ रही है कि गलियों के अंदर कूड़े के ढेर लगे हैं, ढलाव घर भरे पड़े हैं। तो ये जगह जगह से जो शिकायतें आ रही हैं उससे ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो धड़े बन चुके हैं, जो एक धड़ा चाहता है कि घर घर से कूड़ा उठाने वाली योजना चले और दूसरा धड़ा चाहता है कि ये योजना ना चले। कुल मिला के जो बात है वो हिस्से बांटने की बात है, सबको हिस्से चाहिए, सबको मलाई चाहिए, भ्रष्टाचार की कमाई चाहिए, सिर्फ अपनी अपनी कमाई को बांटने के लिए लड़ाई हो रही है। जनता के पक्ष में और जनता के लिए काम करने की कोई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं है। दिल्ली दस्तक के लिए मिंटू झा के साथ रवि डालमिया की यह रिपोर्ट।